हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। आज हम लोग 3/5 और 4/5 के बीच पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही है, 3/5 और 4/5 के बीच पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। कोई भी ऐसी संख्याएं जो P बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है। Q है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो और P कोई भी आपका पूर्णांक हो सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। मैं क्या दे रखा है, 3/5 और 4/5, तो आप ये लिख लीजिए 3/5। तो यहाँ देखिए 3/5 है। अब हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर को दोनों को एक ही संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो हमारी वो कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए 3/5, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से नीचे भी और 10 से ऊपर भी। आप 5 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं। इन तो यहाँ पे क्या आ गई संख्या, ये आ गई आपकी 30, 10 और 3 का गुना और 5 और 10 का गुना, ये आ गया 50, ठीक है। तो अब ये हमारे लिए संख्या बन चुकी है 30/50। इसी तरह से ये हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका 50। तो देखिए 3 और 4 के बीच में तो हम लोग 5 संख्या नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अब देखिए 30 और 40 के बीच में निकाल सकते हैं ना 5 संख्याएं, है ना। 5 निकाल सकते हैं, लगभग 9 या 10 निकल जाएंगी। तो अब इसी तरह आप लोग निकालेंगे। इस हमें ज्ञात है, वी नो डैट, क्या जानते हैं कि 31 छोटा है किससे, 32 से, फिर 32 छोटा है 33 से, ठीक है। इसी तरह से हम करते हुए जाएंगे। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये वाली आपकी 30 और यहाँ पे आपकी जाके ये समाप्त हो जाती है कहाँ पे, 40 पे, ठीक है। तो यानी कि हमें किन से मतलब है, ये बीच की जो भी संख्याएं निकली हैं 40 से छोटी और 30 से बड़ी, तो इनमें से हम लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं जो हमारी 5 संख्याएं होंगी। ये यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, कोई भी ले लीजिए, इसमें से 32-33 से मतलब नहीं है। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 37/50, ठीक है। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो गई, 3/5 और 4/5 के बीच की हैं। तो ये हो गई आपकी सारी संख्याएं, परिमेय संख्याएं निकल चुकी हैं और यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।